तो ये हमारी पार्किंग है, तो इजीली यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं, और पार्किंग दोनों साइड से इंटरकनेक्टेड है, उधर से भी है। और ये हमारा लिफ्ट एरिया हो गया, उसके साथ में ये इधर भी पार्किंग है। तो पार्किंग का स्पेस पूरा आपको ओपन मिलेगा, यहाँ पे स्पेस अच्छा है। एक बार ऊपर चल के मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। ये अभी हम लोग अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ गए, एक सैंपल फ्लैट आपको मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ से हम सीधे अपने ड्राइंग रूम के अंदर एंटर होते हैं, ये मेन एंट्रेंस है हमारा। फ्लैट के अंदर फिनिशिंग का काम भी चल रहा है, और ऊपर यहाँ पे फॉल सीलिंग का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, बिल्कुल अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। और ये सारा डिज़ाइन एकदम लेटेस्ट इंटीरियर में से लिया गया है। सामने की वॉल पर आपको यहाँ पर वॉल पेपर लग जाएगा। तो बेसिकली गाइस ये हमारा ड्राॅइंग रूम है, मैं दूसरी साइड से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हमारा ड्राइंग रूम रहेगा। यहाँ पे प्रॉपर आप अपना यू शेप का सोफ़ा रख सकते हैं, उसके ऑपोजिट साइड में यहाँ अपने अपना एलसीडी वॉल बना सकते हैं, एलसीडी दीवार। चलते हैं एक बार हमारी किचन की तरफ। तो फुल्ली मॉडलर हमारी किचन रहने वाली है, और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के अंदर लेने का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीचे जितनी भी सलमाइका वगैरह लगेंगे वो अपने हिसाब से आप कलर कॉम्बिनेशन करवा सकते हो। और न्यू बुकिंग में आपको अभी ये मिल जाएगा फ्लैट, सेकेंड फ्लोर इसके अंदर अवेलेबल है। फ्लैट के साइज़ की बात करें तो 110 गज के अंदर ये हम बना के दे रहे हैं आपको। और ये यहाँ पे आपको फ्रिज एरिया हो गया, ये पूरा कॉमन एरिया है यहाँ पे। जस्ट साथ में यहाँ पे आपको एक कॉमन वॉशरूम मिल जाएगा, जिसमें अभी फ़िलहाल तो साइकिल रखी थी। और वॉशरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे आपका वॉश बेसिन लग जाएगा बाहर लुकिंग मिरर के साथ। और ये वाला पैटर्न जो मैं दिखा रहा हूँ वही हम आपको पहले भी मैंने कई वीडियोज़ में आपको इस तरीके का नक्शा दिखा चुका हूँ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया, बेडरूम का साइज इसमें भी काफ़ी अच्छा है। वेंटिलेशन के लिए गाइस यहाँ पे शाफ्ट दे दी गई है, और अगेन यहाँ पे भी आपको वॉलपेपर लगा के देंगे बिल्डर आपके अकॉर्डिंग। सामने यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाते हैं लड़के की यहाँ पे बनी हुई। तो बेडरूम का साइज़ काफ़ी अच्छा है, आज इजीली यहाँ पे 6x6 का किंग साइज का बेड आ सकता है। तो ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। चलते हैं हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ। ये हमारा सेकेंड बेडरूम है जो कि मास्टर बेडरूम होने वाला है। बेडरूम का साइज़ बहुत अच्छा है, ये वाला सबसे बड़ा ये बेडरूम हमारा होने वाला है। इसके अंदर अलमीरा की साइज़ भी काफ़ी अच्छा है, फुल साइज़ के यहाँ पे अलमीरा मिल रही है। इसके अंदर अटैच आपको एक वॉशरूम भी मिल रहा है। तो ये हमारा वॉशरूम रहेगा कुछ इस तरीके से। लोकेशन है हमारी हरिनगर की, और यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट दे दिया है, यहाँ पे पूरा ऊपर तक आपको दिख रहा होगा। तो ओवरऑल ये था हमारा मास्टर बेडरूम। चलते हैं हमारे फर्स्ट थर्ड बेडरूम जो कि हमारा फ्रंट साइड के गली की तरफ होगा। और ये हमारा थर्ड बेडरूम हो गया, इसका भी साइज बहुत अच्छा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और सनलाइट यहाँ पे प्रॉपर आ रही है बालकनी से। ये हमारी गली होगी यहाँ पे, अभी मैंने ऑलरेडी नीचे से आपको दिखा दिया है। और प्राइस की बात मैं आपको दिखा बता देता हूँ अभी। तो फाइनली गाइज ये था हमारा फ्लैट जो कि मैंने आपको दिखाया, 3 BHK जो कि 110 गज के अंदर बना हुआ है। और इसका जो साइज़ था वो 110 गज था। एग्जैक्टली लोकेशन ये हमारा हरिनगर की है, वॉकिंग डिस्टेंस है क्लॉक टावर से, बहुत अच्छी लोकेशन है। प्राइस की मैं बात करूँ तो 80 लाख रुपये जिसके हम लोग आस्किंग रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 80 लाख रुपये में आपको 3 BHK मिल रहा है गाइज, जो कि हरिनगर के अंदर 2 BHK का रेट ही 80-85 लाख रुपये है। तो फ्लोर गाइज इसके अंदर हमारे पास सेकंड फ्लोर है और थर्ड विद रूफ भी अवेलेबल है। सेकंड फ्लोर हमारा 80 लाख रुपीज़ का है, थर्ड विद रूफ अगर लेते हैं, रूफ के ऊपर थोड़ा बहुत हम आपको कंस्ट्रक्शन भी करके देंगे, लाइक वॉशरूम वगैरह हम आपको वहाँ पे बना के देंगे थर्ड फ्लोर पे। तो उसका जो प्राइस रहेगा गाइज 85 लाख रहेगा, विच इज़ नेगोशिएबल ऑन टेबल, उस पर भी हम लोग नेगोशिएट करेंगे थोड़ा बहुत। तो ये था कुछ हमारा फ्लैट। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इस तरीके से छोटी छोटी वीडियोस में आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। बाहर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है, इतनी धूप पे भी मैं आप लोगों के लिए अगर वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।